सर सारी चीज सर मैंने सर समझ ली है सर, और मुझे काम बहुत अच्छा लग रहा है सर। पर सर करने से पहले सर मैं एक बार अपने घर वालों से जरूर पूछूंगा सर, सर उनसे पूछ कर ही सर स्टार्ट करूंगा सर मैं। बहुत अच्छी बात है आशीष, मतलब मुझे आपकी बातों से लग रहा है आप एक बहुत पारिवारिक इंसान हैं, और परिवार से सलाह मशवरा तो जरूर करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लेकिन उनसे सलाह करना चाहते हैं तो तरीका मैं बताता हूं आशीष आपको, ठीक है ना? सलाह तो करना है लेकिन सही प्रकार और सही तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है आपके लाइफ में, तो आप डॉक्टर से सलाह करने जाओगे वकील से या नाई से? डॉक्टर से करने जाऊंगा सर, हाँ जी, डॉक्टर से करूंगा सर, डॉक्टर से। उसे करेंगे। अगर आपको केस मुकदमा हो गया है तो आप वकील के पास पहुंचेंगे या फिर किसी दर्जी के पास जाएंगे? वकील के पास जाऊंगा वकील के पास जाएंगे क्योंकि उसको उसकी नॉलेज है। तो वैसे ही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो ये बिजनेस हम कर रहे हैं, तो पहली बात, सबसे पहले जिनसे आप पूछना चाहते हैं, चेक कीजिए क्या उन्होंने 3 साल यानी 1000 दिन, पूरी ट्रेनिंग, पूरा एजुकेशन, पूरा समय क्या ग्लेज को दिया है? अगर उन्होंने नहीं दिया है तो आपको किस प्रकार से सलाह लेना है वो मैं आपको बताता हूं। कैसे लेना है सलाह, लीजिए, कोई बुराई नहीं है। सलाह लीजिए जब उनको जानकारी हो, जैसे जितना आपको पता चल गया है इतना उनको भी पता चल जाए, तब आप उनसे सलाह लीजिए। करना क्या होगा, जैसे स्वीटी ने आपको ऑनलाइन मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया, वैसे ही पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑनलाइन आप जिनसे सलाह लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप उनको प्रेजेंटेशन दिखाइए। उसके बाद जैसे आपके मन में बहुत सारे सवाल थे यार, जिसका जवाब आपको मिल चुका है, उनके मन के भी सवाल हैं, तो पहली बात उन सवालों के जवाब उनको दीजिए। उसके बावजूद आपको लगता है कोई सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी अपलाइन से संपर्क कीजिए और उनसे उसका जवाब दिलवाइए। जब आपको पूरा जवाब मिल गया, आप संतुष्ट हो, आपको पूरी नॉलेज मिल गई है, इतनी ही जानकारी, इतना ही सब कुछ उनको मिलेगा, तो आप दोनों एक लेवल पे रहोगे। जब एक लेवल पे रहोगे तो सलाह करना आसान रहेगा। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, अधूरा काम मत करना। जैसे अभी आपने मेरे को पीछे बताया था कि आप पूरी फिल्म देख कर आए हैं आशीष, लगभग 2.5-3 घंटे की फिल्म होगी पूरी। लेकिन अगर अभी आप मेरे को समझाना शुरू करोगे, यानी फिल्म के बारे में बताना शुरू करोगे, कब कहां क्या क्या हुआ था, आप ज्यादा से ज्यादा कितनी देर मुझे बता पाओगे? 3 से 4 मिनट सर। 4 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा जोर लगाओगे 10-15 मिनट समझा दोगे। लेकिन क्या 10-15 मिनट में जो आपने इंजॉय किया, जो आपने एक एक मोमेंट को समझा, जिसको देखकर एक अलग सी एनर्जी आ गई, जब आपने बोला कि मैं हर आदमी को मैंने बोला मूवी देख के आओ, अगर आप मुझे 10 मिनट लगाकर वो समझाओगे तो क्या मैं मूवी देखने के लिए तैयार हो पाऊंगा? 10 मिनट में तो सर नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग, वो बातें, सब चीज मेरे को नहीं आप बता पाओगे। वैसे ही अगर आपने जिनसे भी सलाह लेना है, तो कहीं आपने अगर उनसे इस प्रकार से सिर्फ फोन पर 5-7 मिनट बात कर लिया, सिस्टम को फॉलो नहीं किया, तो वो हमारे बड़े हैं सीधा बोलेंगे ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, क्योंकि उनके हिसाब से करोड़ों लगा के लाखों कमाए जा सकते हैं, लेकिन चंद हजार रुपए लगा के लाखों क्या कमाए जा सकते हैं आशीष? नहीं कमाए जा सकते हैं। वो अपनी जगह सही है जो हमारे बड़े हैं, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने वही देखा है, तो उनकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे सिर्फ उनको फोन पर समझा दोगे तो आपकी गलती है। वो आपको समझा देंगे और आपके हाथ से एक बड़ा मौका और बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। जो आप सपने देख रहे थे, आगे बढ़ने की कामना कर रहे थे, वो वहीं पर बैठे रह जाएंगे। तो सलाह करें, बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये रकम इतनी छोटी है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं, बदले में प्रोडक्ट मिल रहा है,
और आप 18 साल से ऊपर हैं, आप वयस्क हैं, आप अपने ऊपर निर्णय ले सकते हैं, तो आप निर्णय लें। लेकिन फिर भी सलाह लेना हो तो इस पूरी प्रक्रिया से गुजर कर सलाह लें, उनसे पूरा समझाएं, तब आपको बढ़िया और अच्छे तरीके से बताएंगे। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? बिल्कुल सहमत हूं सर आपकी बात से मैं। जी तो बस ये ध्यान रखिएगा, पूरी फिल्म को 10 मिनट में नहीं समझाना है, पूरी फिल्म दिखानी है ताकि वो भी सेम प्लेटफॉर्म पे रहें, तो पूरा समझाना है, पूरा बताना है, उनको भी समझ में आएगा। और मैं कहूंगा जब आप मिलेनियर मास्टर्स की ट्रेनिंग अटेंड करें तो अपने घर के गार्जियन को भी दिखाएं मिलेनियर मास्टर की ट्रेनिंग। मिलेनियर मास्टर की ट्रेनिंग एक एक व्यक्ति जरूर देखे और हर 3 दिन पर देखे, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग है, आपको बहुत बल मिलेगा और आपके काम करने की ताकत दुगनी हो जाएगी और आपको तुरंत आत्मविश्वास आएगा, यस मैं कर सकता हूं। ठीक है आशीष? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर सलाह लेने वाले पार्ट पे सर मैं अपने पेरेंट्स को सर जरूर सर कोशिश करूंगा सर आपसे ही मिलवा दूं सर, और मैं अपने लेवल पे सर एक बार बिजनेस प्रेजेंटेशन जरूर दिखाऊंगा सर। कोई डाउट्स रहेगा सर तो आपसे ही सर टाइम लेके सर मैं बात कर लूंगा स्वीटी जी से, वो टाइम लेके देंगे सर मेरे को ना। आशीष ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि मेरे भी कुछ बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने पिताजी को घर पर समझा दिया, उन्होंने बोला बिजनेस सही नहीं है। आज उनमें और मुझ में बहुत बड़ा अंतर है, और आज ये बोलते हैं कि कुश उस दिन तूने कहा था कि बात मत करना, बात मत करना, नहीं तो तूने नहीं समझा पाएगा, वो तुझे समझा देंगे। और सच में उन्होंने मुझे समझा दिया, और तूने लाख मुझे समझाने की कोशिश करी, मैं नहीं समझ पाया, नहीं तो आज तेरी गाड़ी के जैसे मेरी बगल में भी गाड़ी खड़ी होती, तेरे जैसी लाइफ मेरी भी होती। तो काश ये वर्ड आपको ना बोलना पड़े, इसके लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखूंगा सर, मुझे काश नहीं कहना है सर। बिल्कुल। गुड आशीष।